हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता चौक से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल योगिताज किचन में। आज मैं लाई हूं आपके लिए ठंडी ठंडी और डिलीशियस 6 फ्लेवर लस्सी की रेसिपी। तो इस 6 फ्लेवर लस्सी की रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं 6 फ्लेवर लस्सी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमने 1 कप दही लिया हुआ है। मेज़रमेंट के हिसाब से ये 200 ग्राम दही है। और 1 आम लिया है, इसको हमने धो के छील लिया है और काट लिया है। कुछ आम को हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी बादाम कतरन ली है और थोड़ी सी पिस्ता कतरन ली है गार्निशिंग के लिए। 1/2 कप मैंने चीनी ली है। यहाँ पर चीनी या कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब ले सकते हैं। आप चाहें तो शहद का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें हम दही को डाल देंगे, आम भी ऐड कर देंगे, शक्कर भी ऐड कर देंगे, बादाम कतरन डाल देंगे हम। अब हम इसमें थोड़ी सी पिस्ता कतरन भी डाल देंगे और लीड लगा करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इतने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही अच्छी लस्सी बनके तैयार हुई है। अब हम इसको ग्लास में सर्व कर लेंगे। देखिए, लस्सी हमने सर्व कर ली है। अब हम इसमें मैंगो के चंक्स डाल देंगे थोड़े से, जो हमने बारीक काट के रखे थे। थोड़ी सी बादाम कतरन डाल देते हैं हम इसमें गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाल देते हैं अब गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, हमारी मैंगो लस्सी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी लस्सी बनी हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी सेकेंड लस्सी की तरफ। दूसरी लस्सी है हमारी खरबूजा लस्सी। इसके लिए हमने 200 ग्राम दही लिया हुआ है मेज़रमेंट के हिसाब से। 1 खरबूजा लिया हुआ है हमने 1/2 कटोरी, और थोड़े से खरबूजे को हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है। पीसेस को हमने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है, और कुछ हमने टूटी फ्रूटी यूज़ की हैं गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो इसके जगह ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 1/2 कटोरी चीनी यूज़ की है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 ब्लेंडिंग जार लिया है, अब दही ऐड कर देंगे उसमें हम, खरबूजा भी ऐड कर देंगे, चीनी भी ऐड कर देंगे, हम कुछ आइस क्यूब्स डाल देते हैं इसमें और इसको लीड लगा के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी सी लस्सी बनके तैयार हुई है। अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे। देखिए, लस्सी तैयार हो गई है। अब हम इसमें खरबूजा के चंक्स डाल देते हैं कुछ, और टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। ये देखिए, हमारी खरबूजा लस्सी बनके तैयार है। बहुत अच्छी लस्सी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब हम चलते हैं अपनी अगली लस्सी की तरफ। इसके लिए हमने 200 ग्राम दही लिया है, थोड़ा सा दूध लिया है, चीनी ली है 1/2 कटोरी, पिस्ता कतरन ली है, केवड़ा वाटर लिया है, और थोड़ी सी बादाम कतरन ली है गार्निशिंग के लिए। 4 इलायची लिए, इसको भी हमने पीस ली है। अब हम लस्सी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें दही ऐड कर देंगे, थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देंगे। दूध हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, लस्सी पतली हो जाएगी, ज़्यादा पतली लस्सी अच्छी नहीं लगती है। चीनी ऐड कर देंगे हम, केवड़ा वाटर डाल देंगे, इलायची भी डाल देंगे। अब हम इसके लीड लगा के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और हमारी पंजाबी लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ग्लास में सर्व कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी लस्सी बनी है। इसको थोड़ी सी हम गार्निश कर देते हैं पिस्ता कतरन से और बादाम कतरन से। ये लीजिए, पंजाबी लस्सी बनके तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली लस्सी की तरफ चलते हैं हम अपनी। स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाने के लिए हमने 1 कप दही लिया है। मेज़रमेंट के हिसाब से 200 ग्राम दही है। यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी क्रश 2 चम्मच यूज़ करेंगे। 1/2 कटोरी चीनी यूज़ करेंगे हम। ब्लेंडिंग जार लेंगे, इसमें दही ले लेंगे, दही ऐड कर दिया है हमने। अब हम चीनी ऐड कर देंगे और 2 चम्मच हम स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ करेंगे। अब लीड लगा कर इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से लस्सी बनके तैयार हुई है स्ट्रॉबेरी लस्सी।
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम चलते हैं अपनी, इसको ग्लास में सर्व कर लेंगे। क्या हमारी स्ट्रॉबेरी लस्सी बनके तैयार है? अब हम चलते हैं अगली लस्सी की तरफ। अगली लस्सी हमारी रोज लस्सी, इसके लिए हमने 1 कप दही लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से 200 ग्राम दही है। आधा कटोरी चीनी ली है हमने। 2 चम्मच हमने रोज सिरप लिया है। ब्लेंडिंग जार लेंगे, इसमें हम दही डाल देंगे। अब हम चीनी ऐड कर देंगे इसमें और रोज सिरप को भी ऐड कर देंगे और तीनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबूदार रोज लस्सी बनके तैयार हुई है। इसको ग्लास में सर्व कर लेंगे हम। रोज लस्सी बनके तैयार है। इस रोज लस्सी को आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लस्सी बनके तैयार हुई है। अब हम चलते हैं अपनी अगली लस्सी की तरफ, चॉकलेट लस्सी। अगली लस्सी हमारी चॉकलेट लस्सी। चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए हमने 1 कप दही लिया हुआ है। मेजरमेंट के हिसाब से 200 ग्राम दही है। चीनी ली है हमने आधा कटोरी। चॉकलेट सिरप लिया है, ये हर्सेस का चॉकलेट सिरप है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। जार लेंगे, इसमें दही ऐड कर देंगे और चीनी भी ऐड कर देंगे और कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे हम। और हम 2 चम्मच चॉकलेट सिरप यूज करेंगे। अब ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगा के इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा ब्लेंड होकर लस्सी तैयार हुई है हमारी चॉकलेट। बच्चों की बहुत फेवरेट लस्सी है ये। अब हम इसको ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अब हम इसको चॉकलेट से गार्निश कर देते हैं। हमने चॉकलेट को क्रश कर लिया है। ये देखिए हमारी चॉकलेट लस्सी भी बनके तैयार है। आप इस लस्सी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारी 6 प्रकार की लस्सी बनके तैयार है। सभी लस्सियाँ बहुत टेस्टी बनी हुई हैं। आप 6 ही लस्सियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबका ही अपना एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी ये लस्सी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।